मौसम बदलने के साथ साथ हमारे खाने पीने से लेकर पहनावे तक का रूटीन बदल जाता है। इस सब के चलते हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम मानसिक तौर पर परेशान होने लगते हैं और कभी कभी ये बदलाव हम पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाता है। मेडिकल की दुनिया में इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसे में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का जोखिम ज्यादा है, खासतौर पर उनके लिए जो कोरोना के चलते पहले से ही तनाव, डिप्रेशन या अकेलेपन का शिकार है। मौसम की वजह से होने वाले बदलावों से हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। इसके चलते गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव भी होने लगता है। ये कई बार डिप्रेशन की वजह भी बनती है, यानी मौसम बदलने से भी डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे मानसिक असंतुलन की वजह से तो तनाव और डिप्रेशन होता है, उसे ही सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। सर्दियों की शुरुआत में शुरू होने वाला यह डिसऑर्डर यूं तो गर्मी में भी हो सकता है, लेकिन गर्मी की तुलना में इसके मामले सर्दियों में ज्यादा सामने आते हैं। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीजनल डिसऑर्डर की कई वजह होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि धूप की कमी इसके सबसे बड़ा कारण है। सर्दियों में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती, जिसके चलते शरीर में नेचुरल विटामिन डी नहीं पहुँचता। यह लोगों को चिड़चिड़ा बना देता है, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी वजह होती हैं। अगर आपको मौसम बदलने से पहले ही मानसिक या शारीरिक समस्या है तो इसका जोखिम और भी ज्यादा हो जाता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के कई लक्षण होते हैं, इसमें मानसिक लक्षण सबसे ज्यादा सामने आता है। इससे शारीरिक लक्षण भी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप मानसिक लक्षणों से छुटकारा पा सकते हैं तो शारीरिक लक्षण अपने आप ही गायब हो जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मूड डाइवर्ट होता है, जिसे हम मूड स्विंग भी कहते हैं। चिड़चिड़ापन जरूरत से ज्यादा होने लगता है और पीड़ित लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में रहने लगता है और बात बात पर गुस्सा आना आम है। इस स्टेज में भूख नहीं लगती, आलस आता है, शरीर सुस्त रहता है, लेकिन नींद भी नहीं आती। जब ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये डिप्रेशन में भी बदल जाती हैं। इससे उबरने में काफी समय लगता है। इससे बचने के लिए विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी शरीर में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देता है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक केमिकल होता है, जो हमारे मूड को कंट्रोल या संतुलित रखता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कमी होने से हम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। Instafeed.